ये नाजिया ये बशीर दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ बशीर ने नाजिया को गिफ्ट दिया हुआ था नाजिया ने बशीर को गिफ्ट दिया हुआ था बट जब इनका ब्रेकअप हुआ जब ब्रेकअप हुआ तो नाजिया गिफ्ट शिफ्ट लेके चलेगी मैं क्यों दूं बशीर को गिफ्ट वापस बशीर बेचारा गरीब मेरी तरह चलो जी फाइल इलेक्ट्रोफाइल फाइल का मतलब होता प्यार या लव ठीक है इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया विच लव इलेक्ट्रॉन तो खुद क्या होगा पॉजिटिव जैसे क्या हो गया कार्बो उनको मेरा क्या है थोकता हूं मैं उसको ठीक है और यह हंसने वाली बात नहीं है क्योंकि आप मेहनती हो इस मेहनत को आगे बरकरार अपनी लाइफ में से गंद को बाहर निकालना ठीक है जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसको बाहर निकालना जो आपका बॉयफ्रेंड है उसको बाहर निकालना इसको बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ लाइफ क्या ज्ञान खेलते हो सर के हाल है रुखसाना फरजाना बशीर नजीर मुस्कान आज आयशा जी ने आपको एक ऐसा कंटेनर दे दिया जिसमें ओफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है वेस्ट भी है ठीक है वेस्ट सॉलिड है आपको तो जैसी मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं वाह सर हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नमस्ते सस्यकाल के आला है। रुखसाना फरजाना बशीर नजीर मुस्कान आसिया आयशा सरदीप सिंह पीयूष राहुल करण गोयल दानिश रवि बशीर नजीर सब बढ़िया सब बढ़िया सर सर आपके ही वन शॉट देख रहे हैं पेपर तैयार हो रहा है सब अच्छे से चल रहा है सब अच्छे से चल रहा है और कोई दिक्कत आ रही है अगर कोई दिक्कत आ रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना शीशी बड़ी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दू शीशी बड़ी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दू तुझ जैसी मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दू वाह सर वह क्या, क्या, क्या शेर बोल दिया ऐसे ही याद आ रहा था मैंने बोल दिया अच्छा इस वीडियो लेक्चर के लिए इस वन शॉट के लिए जो हमारा वन शॉट आठवा रहने वाला है इसके लिए बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई है तो बशीर साहब जैसे आपने बोला कि जीओसी या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके तो के ले के आ जाओ आपके लिए आपका बंदा हाजिर है जी लेके नाजरीन आपके सामने पहला

हाइड्रोजन दोनों अगटे हो तो क्या सीओ टू एक ऑर्गेनिक है नहीं क्योंकि इसमें कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है क्या एच टू ऑर्गेनिक है नहीं क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है वेरी गुड सर क्या सी एच फोर ऑर्गेनिक है हां ये ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सी एच की सी एच के अलावा आपको आ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ये सारे आ, एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सर क्रिस्टल क्लियर हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड अब सुनो मेरी बात ब्रिजिलियस एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी दी वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या हो गया कि ये 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 क्या? ये मानता था कि कोई फोर्स चाहिए होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए और फॉर योर इंफॉर्मेशन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो और ऑर्गेनिक वाला वर्ड है ये रिलेटेड किससे है आप ध्यान से देखो जरा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिलेटेड है

ने पहली बार एसिटिक एसिड को क्या किया था सिंथेसाइज़ एसिटिक एसिड क्या होता है सी एच थ्री आपको बहुत अच्छे से पता आ, है क्लास टेंथ में पढ़ रखे हो अच्छा ये चैप्टर अबाउट का, आ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कार्बन की हम ज्यादा बात करेंगे ए, और मैं ये अभी डिस्कस करना चाहता हूं कि कार्बन सो मैनी कंपाउंड क्यों बनाता है ये इसलिए इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है क्योंकि इसके पास दो खास प्रॉपर्टीज होती हैं एक होती है कैटिनेशन और दूसरा होता है टेट्रावेलेंट कैटिनेशन और टेट्रावेलेंट में अगले पेज पे समझाऊंगा बट अभी मैंने आपको कार्बन के बारे में समझाना देखो कार्बन एक एलिमेंट है जिसका अटोमिक नंबर छे है और मास नंबर बारह है अटोमिक नंबर छ मास नंबर बारह इसका पीरियड दूसरा है ग्रुप फोर्टीन है ब्लॉक है और ये एक नॉन मेटल है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो तो 1S2, 2s2 2p4 है ठीक है इसकी वैलेंसी पी रहती है, और ये हमेशा so बनाता है आपके चप्पलों में आपके बशीरसार लिफाफे में या प्लास्टिक हो गया वुड में वुड जिससे होता है वो भी क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है आपका डीएनए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार... कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे बना सकता है ग्राफाइट डायमंड आ... फुलरीन ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इतने सारे क्यों बना रहा है क्योंकि इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती है एक होती है कैटिनेशन कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी अपने जैसे के साथ जुड़ने वाला जैसे बशीर बशीर के साथ जुड़ जाता है ना वैसे कार्बन कार्बन के साथ क्या कर जाता है जुड़ जाता है इसलिए 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 ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं और दूसरा कार्बन फॉर्म अ फोर कोवल बॉन्ड एट अ टाइम क्योंकि कार्बन जैसे मैं सी की एग्जाम्पल ले रहा हूं कार्बन इसकी अटामिक नंबर छे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी छ है दो कामा चार तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए चार एक दो तीन और चार ठीक है फिर हाइड्रोजन 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 जुड़ा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वन होते हैं इसको डबलेट चाहिए होता है तो इसने दो कंप्लीट कर लिए इसने भी अपने दो कंप्लीट कर लिए इसने भी अपने कितने कर लिए दो कंप्लीट इसने भी दो कंप्लीट कर लिए तो अब कार्बन को चार हैं इसके पास तो चार किससे मिलेंगे इन चार हाइड्रोजन से मिलेंगे और ये इस तरह से क्या बनाएगा कोवलेंट बोन बनाएगा कोवलेंट बोन मैंने केमिकल केमिकल बोन्डिंग में बहुत अच्छे से समझाया है और यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन के इर्द गिर्द चार हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यस इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अगट्ठे देखने को मिल रहे हे hey, अच्छा जी हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको दे चुका हूं पर यहां पे कभी कभी सवाल आ सकता है आता है हाइब्रिडाइजेशन का हाइब्रिडाइजेशन शेप या ज्योमेट्री बताता है किसका किसी भी केमिकल मालिक्यूल का बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बोन्ड मिले तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन एस होगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बोन्ड प्लस प्लस लोन पेयर सिग्मा बोन कितने एक दो तीन चार लोन पेयर कोई है नहीं है तो एक एस का पी के कितने पी के कितने पी के कितने तीन ए एस पी 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 एस पी थ्री हाइब्रेडाइजेशन और इसकी जो शक्ल रहने वाली है वो क्या रहने वाली है टट्रा हाइड्रल वेरी गुड सर ठीक है अच्छा जब डबल बोन्ड देखो तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होती है उसकी क्यों क्योंकि वहां पे सिर्फ सिग्मा बोन्ड सिग्मा बोन्ड सिग्मा बोन्ड इस पाई का तो हाइब्रिडाइजेशन में कोई लेना देना नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बोन्ड और लोन पेयर लोन पेयर तो है नहीं है एक सिग्मा एक एस का एक पी का एक पी का तो, तो कुल मिला के कितने हो गए पी टू और इसकी शकल अगर आप ध्यान से देखो इसकी शकल आप ध्यान से देखो तो ये शकल ऐसे लग रही है जैसे ट्राइंगुलर प्लानर है कैसी है एंगुलर प्लानर जैसी शक्ल नजर आ रही है बहुत अच्छे सर ठीक है अगर आप यहां पे देखो तो एक सिग्मा यहां पे है और एक सिग्मा यहां पे है बाकी ये पाई इंक्लूड नहीं होंगे मतलब दो सिग्मा बोन्ड हैं एक एस का होगा एक पी का होगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बोन्ड प्लस पाई पाई ड नहीं लोन पेयर लोन पेयर तो इधर है नहीं है सिग्मा बोर्ड यहां पे दो ही है, तो एक एस की जाएगा और एक पी की जाएगा हाइब्रिडाइजेशन और ये वाली जो शेप नजर आ रही है ये कौन सी है लीनियर है बट आप याद करने के लिए याद रख लो जहां पे सिंगल बोन वहां पे एस पी थ्री डबल बोंड एस पी टू और ट्रिपल बोंड एस पी हाइब्रोडाइजेशन होती है अच्छा अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल होता है रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी ऑर्गेनिक मालिक्यूल को आप किस तरह से रिप्रेज कर सकते हो एक कंप्लीट होता है कंप्लीट फॉर्मूला में आपने कार्बन की कार्बन की बोंद भी बतानी है और कार्बन और हाइड्रोजन की बोन्ड भी बतानी है प्रोपेन में तीन कार्बन होते तीन ठीक है मैंने कार्बन कार्बन की बोन्ड भी बना दी कार्बन कार्बन की बोन्ड बना रही कार्बन हाइड्रोजन 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 की बोर्ड भी बना दी मतलब कंप्लीट फॉर्मूले में आप हर एक बोन्ड हर एक एटम बशीर साहब बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करो करोगे वेरी गुड सर कंडेंस में क्या होगा कंडेंस में सिंगल कोवलेंट बोन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम इज नॉट शोन मतलब कोई भी कोवेलेंट बोन्ड सिंगल कोवेलेंट बोन्ड शो नहीं होगी जैसे आपके सामने प्रोपेन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बोन्ड नजर आ रही है नहीं नजर आ रही है क्या कार्बन और हाइड्रोजन वाली बोर्ड नजर आ रही है नहीं नजर आ रही है आप सिंपल आप क्या लिखोगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री ठीक है इसके बाद आता है बोन लाइन रिप्रेजेंटेशन लाइन रिप्रेजेंटेशन में बस इतना याद रखो कि जो कॉर्नर होगा और जो जो कॉर्नर होगा और जो एंड्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन को जैसे इधर कितने कार्बन है कार्बन है दैट इज चार कार्बन है तो ये आपके पास क्या है दैट इज ब्यूटेन ये क्या है ब्यूटेन ब्यूटेन में चार कार्बन तो चार कार्बन या तो एंड्स पे लगाए हैं या कार्नर पे लगाए हैं कुछ और करके बताओ और एक चीज याद रखना कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड नजर ही नहीं आती इवन कार्बन भी कहीं नजर नहीं आता जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है जी हेजेन बताओ हेगेन बताओ तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा एक कार्बन दो तीन चार पांच छह खत्म ठीक है एक दो तीन चार पांच छे ठीक है बात समझे की नहीं है इस तरह से आप क्या करोगे बोंड लाइन से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो सर आप कंप्लीट फार्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे कंप्लीट फार्मूला जगह ज्यादा लेता है ज्यादा कवर करता है वहां पर रस ज्यादा पड़ जाता है कुचड़ मुचड़ सा लगता है इसलिए आप वो यूज नहीं करते ओके सर वेरी गुड फिर थ्री रिप्रेजेंटेशन होती है थ्री रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कार्बन के इर्द गिर्द हमें एटम अरेंज करने पड़ते हैं स्पेस में थ्री अरेंजमेंट होता क्या के कार्बन के पास है कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन के मतलब अगर मैं ch4 ड्रा करूं तो इसके जो दो हाइड्रोजन होंगे वो एक प्लेन पे होंगे प्लेन मतलब इस शीट पे होंगे और एक हाइड्रोजन कॉपी के अंदर होगा और एक हाइड्रोजन बाहर होगा जो डैश वाला होगा वो बताएगा कि कॉपी के अंदर ड्र। कापी के अंदर हाइड्रोजन घिस रहा है घुस रहा है और जो वेज वाला होगा वेज डब्ल्यू ई डी जी जो वेज वाला होगा वो ये बताएगा कि कापी से बाहर हाइड्रोजन जा रहा है ड्र बाहर बाहर जा रहा है ठीक है अच्छा सुनना मेरी बात अब मैं बोल रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन है ये, हो, ये कहीं भी क्लोज भी नहीं होते है. जैसे आपने टेंथ क्लास में एल्केन पढ़ा था एल्कीन पढ़ा था एल्काइन पढ़ा था यह ओपन चेंज चेन होते देख लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जैसे ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच ये एक ओपन चेन है ठीक है बात कि नहीं उसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड होते हैं जो जिनमें एटलीस्ट बंजीन रिंग होती है जैसे रिंग रिंग मेरे पास ये ये है 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 ठीक और कभी कभी रिंग के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कंपाउंड भी रखा लगा सकते हैं बंजीन को मैं हाइड्रोकार्बन में अच्छे से डिस्कस करूंगा जो ऑर्गेनिक का अगला चैप्टर है ए साइकली कंपाउंड कौन सा हो गया ए अली साइकली कंपाउंड क्या हो गया इसमें एक रिंग होगा जैसे फॉर एक्साम्पल सी एच टू सी टू सी एच टू सी एच टू ठीक है ये रिंग बना गया

ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ओके okay, होप आपको ये चीज समझ आई होगी फंक्शनल ग्रुप दसवीं क्लास से ही पढ़ रहे हैं ये एक एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो डिसाइड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को ये क्या करते हैं डिसाइड करते हैं वेरी गुड सर ठीक है जैसे कि जैसे कि मैं बहुत अच्छे से बताऊं जैसे OH है अल्कोहल है OH क्या है मेरे पास अल्को होल ये सी एच ओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल डी एल डी हाइड ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन ये वाला ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार कार्बोक्सिलिक एसिड ओके सर अच्छा अगर यहाँ पे सीओ वाला हो तो वो कौन सा दैट इज एस्टर बहुत अच्छे से समझ आया सर होमोलोगस सीरीज ये भी दसवीं का कंसेप्ट है बशीर साहब होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज क्या होता है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है इनका सेम जर्नल फॉर्मूला होता है सेम जनरल फार्मूले का मतलब क्या हो गया जैसे ए, एक को एक का फार्मूला जो एक हो एक का जो फार्मूला होता है वो दूसरे का भी फार्मूला होता है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ एक एग्जाम्पल अच्छे से देख लो होमोलोगस सीरीज एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आपको होमोलोगस सीरीज की एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूं किसकी दैट इज अल्केन वाली सीरीज की दे रहा हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर रहें जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है सी एच फोर सी एच थ्री सी एच थ्री फिर है मेरे पास सी एच थ्री सिंगल बोंड सी एच टू सी एच थ्री ठीक है ये एक सीरीज़ है आप आगे भी इसको ले जा सकते हो uh, इस इन इसका सेम फंक्शनल ग्रुप है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है सेम जर्नल फार्मूला है हमें जर्नल फार्मूला के बारे में पता नहीं था जर्नल फार्मूला एल्केन के लिए एक जर्नल फार्मूला होता है आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा दैट इज सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक है यहां पे आप अगर एन एक रखो एन एक रखो तो ये कार्बन एक है हाइड्रोजन टू वन ज टू प्लस टू देखो ये सी वन हाइड्रोजन कितना है? Two, और एक टू कितना हो गया Four. मतलब कार्बन एक रखने पे हाइड्रोजन कितने होंगे चार होंगे कार्बन दो रखने पे हाइड्रोजन कितने होंगे तीन और तीन छे होंगे चेक करते हैं इसको यहाँ पे चेक करते हैं ठीक है इसको यहाँ पे चेक करते हैं सी एन एच टू एन प्लस टू कार्बन में कितने रख रहा हूं कार्बन में रख रहा हूं दो कार्बन को मैंने रखा दो हाइड्रोजन टू इन टू प्लस टू तो ये कितना हो गया कार्बन दो हाइड्रोजन चार प्लस टू हाइड कार्बन दो हाइड्रोजन कितने हो गए छे हो गए होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा ठीक है हर एक होमोलोगे सीरीज का अपना जर्नल फॉर्मूला होता है और सबका सेम होता है ठीक है सेम केमिकल प्रॉपर्टी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है ठीक है फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो ग्रेजुअल ग्रेजुअल चेंज ग्रेजुअल चेंज शो करती है जैसे मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इसका साइज छोटा है फिर इसका थोड़ा बड़ा हो गया फिर ये बड़ा हो गया फिर ये और बड़ा हो गया होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी और हर एक मेंबर का डिफरेंस सिर्फ सी एच टू है मतलब ये वाला नंबर ये वाला मेंबर से ये वाला चाहिए तो यहां पर आप सी सी एच टू एड कर दिया इससे ये बनाना है तो सी एच टू एड कर लिया मतलब हर मेंबर में आ, अगर पिछले वाले मेंबर में सी एच टू एड करोगे तो अगला वाला मेंबर आ जाएगा और अगले वाले मेंबर में सी एच टू माइनस करोगे तो पीछे वाला मेंबर आ जाएगा ठीक है सर इसका जनरल फार्मूला अल्कोहल का क्या है सी एन एच टू एन प्लस टू और साथ में क्या आएगा एक ऑक्सीजन आएगा बात समझ आएगी नहीं है ये अल्काहोल का क्या है जर्न, जर्नल फार्मूला है और सब का क्या रहने वाला है सेम ही रहने वाला है ठीक है होमोलोगो सीरीज ऑफ अल्केन आपको पता है इसके बाद है नॉमन क्लेचर या ट्राइवल नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर का मतलब होता है नाम करण नामकरण करना नाम रखना जैसे आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हो ना नजीर बशीर राहुल करण रवि वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके बाकायदा तमीज से नाम रखे जाते हैं ताकि कल को हमारा कोई कंफ्यूजन ना हो जैसे मेरे बच्चे हुए पंद्रह ठीक है मैंने एक का नाम रखा रवि एक का नाम रखा सरदीप सिंह एक का नाम रखा गुड्डू एक का नाम रखा प्रकाश एक का नाम रखा डेविड एक का नाम रखा वरुण मतलब ऐसे मैंने नाम रखे तो मैंने नाम क्यों रखे क्योंकि जब मैं वरुण को बुलाऊं तो वरुण आए मेरे पास जब मैं रवि को बुलाऊं तो रवि आए मेरे पास जब मैं कृष्ण को बुलाऊं तो व... कृष्ण आए मेरे पास बात कि नहीं है तो ऑर्गेनिक ज... कंपाउंड में नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कल को जब आप उन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कर, जब आप उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ रहे हो आपके साथ वाला असिस्टेंट प्रोफेसर है मैंने उसको बोला मिथेन उठा के दे तो मिथेन का नाम रखा है ना पहले किसी ने तभी वो मैं बोल रहा हूं कि मिथेन उठा के दे और वो मिथेन ही ला रहा है उसकी जगह इथेन नहीं ला रहा है ठीक है ट्राइवल नेम होते कॉमन नेम होते हैं, लोकल नेम्स होते हैं अमूमन वो सोर्स पे डिपेंड करते हैं कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसी के बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है जैसे सिट्रिक एसिड है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिट्रस से लिया जाता है सिट्रस मतलब जैसे ऑरेंज फैमिली वगैरह होती है ना ऑरेंज ऑरेंज जैसे ऑरेंज हो गया लेमन वगैरह से लिया जाता है ठीक है समझ आया कि नहीं होप आपको इतनी चीज क्लियर रही होगी ठीक है उसके बाद है जो सिस्टमैटिक नॉमन क्लेचर है उसको बोलते हैं आयुपेक नॉमन क्लेचर आयु की एक सिस्टमैटिक नेमिंग रूल्स हैं बाकायदा नाम दिया हुआ मतलब एक रूल्स दिया है कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखने हैं ताकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ नाम ना मिले जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे मेरे दो बच्चों के नाम सेम हो गए एक का नाम रवि हो गया दूसरे का नाम भी रवि हो गया तो जब मैं एक रवि को बुलाऊंगा तो मेरे पास दो रवि दौड़ते हुए आएंगे ऐसा कुछ नहीं करना इसलिए हमने रूल्स बनाए और रूल्स किसके अंडर हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जिसको आप क्या बोलते हो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर और यहां पे सेट्स ऑफ रूल्स है वो सेट ऑफ रूल्स मैंने पहले से ही लिख रखे हैं ताकि हमारे पास टाइम कम है ताकि आपको चीजें रिवाइज करनी है जल्दी-जल्दी ठीक जल्दी, है जब मैं लॉन्ग लेक्चर लूंगा तब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल के लिए तो मैं कोई चीज लिख के नहीं लाता होता मुझे, मुझे जो मुझे ऑफलाइन पढ़ते हैं बच्चे वो उनको पता है कि मास्टर बहुत तेज है ठीक है उसको ये लिखने सीखने की जरूरत नहीं पड़ती उसको पहले ही फीड है दिमाग में बात समझ आया कि नहीं है नॉर्मन क्लेचर ऑफ एल्केन एल्केन का नॉर्मन क्लेचर आपने दसवीं में पढ़ा था उसमें अक्सर वर्ड रूट यूज होता था या प्राइमरी प्रफिक्स यूज होता था वर्ड रूट क्या होता है वर्ड रूल हमें यह बताता है कि कितने कार्बन आइटम है अगर एक कार्बन है तो मिथ दो है तो इथ तीन है तो प्रॉप चार है तो ब्यूट पांच है तो पेंट छ है तो हैगस सात है तो हेप्ट आठ है तो ऑक्ट नाइन है तो नॉन और टेन है तो डेक जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मेरे पास कितने कार्बन आइटम है चार तो मैंने लिखा ब्यूट कार्बन कार्बन सिंगल है तो मैंने क्या लिखा एन जो प्राइमरी प्रफिक्स है वो ये है प्राइमरी प्रफिक्स ये है जो बताता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ बोंद एक सिंगल बोन्ड होगी तो एन यूज होगा और ये ब्यूट क्या बताता है वर्ड रूट को बताता है वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन आइटम ठीक है उसी तरह से ब्रांच चेन का किस तरह से नाम लेंगे ब्रांचिंग कैसे होगी जैसे ये CH3 आपको लटकता हुआ दिख निकाल दिया गया मतलब सी एच फोर में से एच बाहर निकाल गया तो आपके पास एक ग्रुप बना जो बिल्कुल ऐसा दिखते हैं इसको कॉमनली बोला जाता है अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप में कैसे जैसे इसका नाम क्या कार्बन एक तो मिथ वाइएल मिथाइल इसको कैसे लिखेंगे इथ वाइएल इथाइल ग्रुप इसको कैसे लिखेंगे प्रोप वाइएल इसको क्या लिखा प्रोफाइल ग्रुप तो ये ध्यान में रखना ये जो अल्काइल ग्रुप है ये ध्यान में रखना जब आप ब्रांच चेंज हाइड्रोकार्बन के नाम लिख रहे होते हो अच्छा जब नाम कर रहे हो ब्रांचिंग का तो आपने तीन, तीन रूल याद रखने हैं पहला है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन चेन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन वाला रूल याद करना इसमें क्या होना है आपने सेलेक्ट द पॉसिबल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट uh, करनी है जैसे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल है अगर आप यहां से नीचे आते तो एक दो तीन चार चार पे सब्सिटेंट आया फिर आठ पे सब्सिटेंट आया फिर एक नंबरिंग वहां से शुरू हो सकती है एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ आपने करना क्या कुछ नहीं करना पहला देखो इस केस में नीचे वाले केस में पहली बार सब्सिट्यूंट चार फिर आठ पे आया, आया। दोनों को सम किया तो आंसर कितना तो ये तो तो कितना आया आठ तो आप बारह ना चूज करके आठ वाली नंबरिंग चूज करोगे ठीक है जिसको आप क्या बोलोगे लोवेस्ट लोकेंट रूल लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब आपने वो नंबरिंग चूज करनी है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में जिसमें जो पोजिशन है उनका सम क्या हो कम हो ठीक है फिर आपने क्या करना है आपको पता है कि लॉन्गेस्ट चेन नाइन की है तो नाम में क्या आने वाला है नोनेन आने वाला है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और है कहां पे है दो नंबर पे मिथाइल लगा है और सिक्स नंबर पे इथाइल रखा है तो उसके केस में आप अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखोगे जैसे आपको पता है इसका क्या आएगा नोनेन छे पे इथाइल लगा हुआ है इथाइल पहले क्यों लिखा क्योंकि ई पहले आता है और फिर टू मिथाइल लगा क्योंकि एम बाद में आता है ठीक है उसके बाद नॉर्मन क्लेचर ऑफ साइकली कंपाउंड साइकिल कंपाउंड का कैसे करना है जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान से देखो तो कार्बन कितने एक दो तीन कार्बन है ठीक है तीन कार्बन है तो प्रोपेन तो आएगा बट ये साइकली कंपाउंड है तो क्या लिखोगे साइक्लोप्रोपेन हमारे पास सेकेंड साइक्लिक कंपाउंड है इसमें क्या है आप देखो एक दो तीन चार पांच छ तो ये आ गया हेक्सेन और साइक्लिक है तो साइक्लोहेगजेन बट उससे पहले आप ध्यान से देखो तो दो सब्सिक्वेंट आपको और नजर आ रहे हैं एक पहली पोजीशन पे मिथाइल नजर आ रहा है और तीसरी पोजीशन पे एक दो तीन पे आपको कितना एक दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन तो यह क्या प्रोपाइल तो ध्यान से देखा जाए पहली पोजिशन पे वन मिथाइल थ्री प्रोपाइल साइक्लो लिखेंगे। है अच्छा उसके बाद है नॉर्मन क्लेचर ऑफ अनसे हाइड्रोकार्बन अनसेड हाइड्रोकार्बन मतलब जहां पे ट्रिपल आ जाए डबल बोंड आ जाए तो आप कैसे करोगे देखो एक दो तीन चार तो आ गया ब्यूट और दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है ईन ई ब्यूट टू इन फिर एक दो तीन चार क्या है ब्यूट और दूसरी पोजिशन पे क्या लिखा है ट्रिपल बोन्ड है वाई यानी ठीक है उसी तरह से कभी कभी दो बार डबल बोंड भी आ सकता है कितने कार्बन है एक दो तीन चार पांच छ है ना छे कार्बन है तो हमारे पास छ की चेन बनेगी तो हेक्स तो आएगा ही आएगा बट यहां पे डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे भी है और चौथी पोजीशन पे भी है अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं तब भी दूसरी पोजीशन पे आएगा और चौथी पोजीशन पे आएगा नीचे से स्टार्ट करूं तब भी दूसरी पोजीशन पे है और चौथी पोजीशन पे आया तो मैं क्या लिखूंगा हैगस टू फोर टू दूसरी पोजीशन पे और फोर पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड है डाई इन आएगा ठीक है उसके बाद नॉर्मन क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप नॉमन क्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसका फंक्शनल ग्रुप होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो ओ एच है ना इसके लिए ये एक अल्का है इसके लिए यूज होगा ओ एल ये क्या एथेन 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 ऑल बट ये वाला जो वॉवल है ये ड्रॉप हो जाता है तो आप क्या लिखोगे एथेनॉल मतलब ई टी एच ए एन ई ओ एल ये दोनों वावल है तो फर्स्ट वावल ड्रॉप हो जाएगा तो नाम क्या है? E अच्छा, ये के लिए था एल डी हाइट इज कीटोन है तो प्रॉप कार्बन कार्बन सिंगल बोन एन और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या यूज होगा ओन और फर्स्ट वावल ड्रॉप हो जाएगा आपका नाम क्या रहेगा प्रोपेनोन ठीक कितने कार्बन है एक दो तीन प्रॉप सिंगल बोन्ड एन और ये एल्डिहाइड ग्रुप है और यहां पे क्या आएगा ए एल तो नाम क्या आएगा प्रोपेनल क्योंकि ये ई फर्स्ट वावल क्या हो जाता है ड्रॉप हो जाता है बशीर साहब ध्यान इधर कार्बन दो तो इथ कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड ए एन ए एन ई और साथ में क्या है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड तो आएगा ओइक एसिड फर्स्ट वावल हमारा ड्रॉप हो जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे इथ एन ओक एसिड वेरी गुड ठीक है इसके बाद क्या है सी एल सी एच थ्री इसके केस में मतलब यहां पे आपको आ, हलोजन दिख रहा है ठीक है इसको कैसे लिखेंगे क्लोरो मिथेन कल को फ्लोरिन दिखेगा फ्लोरोमिथेन ब्रोमोमिथेन आइडोमिथेन ठीक है उसके बाद जैसे ये कार्बन कार्बन क्यों कितने दो कार्बन है इथ आएगा सिंगल बॉन्ड एन आएगा और ये एन एच टू के लिए अमाइन आएगा क्या आएगा अमाइन आएगा और ये वाला जो फर्स्ट वावल है वो ड्रॉप हो जाएगा इसको कैसे लिखेंगे इथ एन अमाइन अच्छा जी उसके बाद आता है जैसे कभी कभी सी एन वाला आता है ठीक है साइनाइड ग्रुप होता है ये कार्बन कार्बन एक दो तीन कार्बन है तो प्रॉप कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड एन और साथ में ये वाला ग्रुप है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइल्स ठीक है इसको बोलते हैं ईथर इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना यहां पे नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है इधर इसको कैसे लिखेंगे ये मिथ मिथ ऑक्सी मिथेन ठीक है क्योंकि कार्बन एक तो मिथ इस साइड भी कार्बन एक तो मिथेन ठीक है अच्छा कार्बन कार्बन दो कार्बन इथ सिंगल बॉन्ड एन और नाइट्रो एज अ प्रिफिक्स यूज होता है आगे यूज होता है जैसे हलोजन भी आगे होता है ना फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ये आगे यूज होता है तो नाइट्रो भी कहां होता है आगे यूज होता है ठीक है कार्बन कार्बन दो फिर कार्बन कार्बन सिंगल बोन एन और साथ में ये वाला लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड ठीक है नॉमन क्लेचर ऑफ सब्सिट्यूटेड बेंजीन सब्सिट्यूटेड बेंजीन सब्सिट्यूटेड बेंजीन पहली बात तो याद रख लो कि बेंजीन ये वाला कंपाउंड होता है ठीक है ये वाला कंपाउंड कहीं भी देखो तो ये बेंजीन है अगर इन आ, ऐसे हैगजीन बना के बीच में रिंग भी देखो तो ये बेंजीन है ठीक है इसको ये ये जो आपके सामने बना है ये क्या है बेंजीन अगर इस बेंजीन बेंजीन इसी अगर इस बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन और इसका कॉमन नाम टोलीन है बट टोलीन भी बहुत मशहूर नाम है बहुत सारे बहुत सारे साइंटिस्ट आयुपेक मिथाइल बेंजीन को मतलब मिथाइल बेंजीन को टोलिन करके भी पुकारते हैं तो मतलब अब आयुपैक भी हो गया टोलिन इसका आयुपैक नाम भी हो गया अब देखना मिथ बेंजीन इसको एनिसोल करके पुकारते हैं ठीक है ये कौन सा दैट इज बेंजीन इसको एनिलीन करके पुकारते हैं ये क्या है बेंजीन ये क्या है ब्रोमो बेंजीन अगर इनमें से कोई नाम आ जाए तो ये अच्छे से लिखना आना चाहिए होप आपके कंसेप्ट क्या हो रहे हैं क्लियर हो रहे इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहता है वो कौन सा है इज आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम केमिकल फॉर्मूला सेम मालिकुलर वेट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर

से समझ आ है देखो सेम सेम मालिक्यूलर फॉर्मूला देखो देखो कार्बन कितने चार कार्बन कितने एक दो तीन चार पांच कार्बन कितने एक दो तीन चार पांच छ हाइड्रोजन कितने तीन और तीन 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 और तीन, छे, छे और तीन आ, नौ नौ और न, एक कितने हो गए दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ठीक है इधर भी हाइड्रोजन गिन लो तो चौकदा है मतलब यहां कार्बन छ हाइड्रोजन चौकदा यहां कार्बन छे हाइड्रोजन चौकदा सेम मालिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ ग्रुप डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ ग्रुप पहले पोजीशन एक न, पहले पोजीशन कौन से नंबर पे लगी है पहले पोजिशन है दूसरे नंबर पे और अब पोजिशन कौन से नंबर पर लगी है तीसरे नंबर पर लगी हुई है समझे कि नहीं है तो यहां पे डिफरेंस किसका है पोजीशन ऑफ अ ग्रुप पे है यहां पे भी सेम केमिकल फॉर्मूला है सेम केमिकल फॉर्मूला मतलब कार्बन uh, कितने चार हाइड्रोजन कितने दस गिन के देख लेना सेम मालिकुलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन चेन चेन में कार्बन कितने हैं वो अलग अलग है ठीक है फालतू की बकवास नहीं करते सीधा ध्यान रखते हैं कंसेप्ट पे क्योंकि अभी फालतू की बकवास करने का कोई टाइम नहीं है हमारा पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ होना चाहिए ठीक है अगर ऊपर से गर्लफ्रेंड तंग कर रही है ना तो प्लीज उसको बोल दे परसों मेरा पेपर है तो अभी के लिए मुझे तंग ना कर ठीक है अगर बॉयफ्रेंड तंग कर रहा है तो आप लड़कियां कंट्रोल करना जानती हैं लड़कों को यार लड़के ही पिघल जाते हैं अच्छा सुनो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होगा सेम केमिकल फार्मूला सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है डी हाइड और यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है दैट इज कीटोन बात समझ आई कि नहीं तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा सेम मालिक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहां पे देखो मैटामेरिज्म मैटामेरिजम क्या है सेम मालिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन देखो ये और ये इसका केमिकल फॉर्मूला और इसका मालिकुलर फार्मूला इसका मालिकुलर फार्मूला और इसका मालिकुलर फॉर्मूला क्या है सेम है बट ध्यान से देखो तो ये ऑक्सीजन है इसके इधर सी एच थ्री सिर्फ एक बार है है ना इधर ये ऑक्सीजन है इधर सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री है मतलब यहां पे सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री है यहां पे सिर्फ सी एच थ्री है अगले ही में अगले ही कंपाउंड में देखो तो ये ऑक्सीजन यहां शिफ्ट हो गया और सी एच टू इधर शिफ्ट हो गया तो मतलब इसमें और इसमें फर्क क्या है इसमें और इसमें फर्क यह है कि इस कार्बन के इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के इस तरफ सिर्फ सी एच थ्री है बट इसके इसके, इसके इस कंपाउंड के इसके ऑक्सीजन के इस तरफ सी एच टू सी एच थ्री है और इस तरफ सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री है मतलब कहने का ये हो गया कि यहाँ पे अलग ग्रुप है ऑक्सीजन के इस तरफ यहाँ पे अलग है यहाँ पे ऑक्सीजन के इस तरफ अलग ग्रुप है यहाँ पे क्या है अलग है होप आपको समझ आया होगा हमने शिफ्टिंग की है सी टू को इस तरफ यही तो बोला डिफरेंट इन द नंबर ऑफ एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन सल्फर भी हो सकता है यहाँ पे अच्छा टोटोमेरिज्म क्या होता है सेम सेम मालिक्यूलर फॉर्मूला बट

ये भी कंपाउंड देखो C एक है हाइड्रोजन तीन है नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन दो है ना C एक है कार्बन एक है हाइड्रोजन दो और ये हाइड्रोजन सी एच थ्री है नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो है इसमें और इसमें फर्क क्या है इसमें शिफ्ट इसमें फर्क ये है कि यहां से डबल बोन शिफ्ट होगी इधर तो ये यहां से सिंगल बोन शिफ्ट होगी इधर तो ये बन गई डबल बोन ठीक है ये प्रोटॉन शिफ्ट हो गया इधर और ये वाली जो डबल बोन थी वो शिफ्ट होगी इधर मेरा कहने का मतलब हो गया ये शिफ्ट हुई इधर ये वाला शिफ्ट हो गया इधर तो यहां पे बन गया नेगेटिव ये प्रोटॉन यहां से शिफ्ट हो गया इधर मतलब इसमें और इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पर प्रोटोन कार्बन के साथ लगा है और यहां पर प्रोटोन ऑक्सीजन के साथ लगा है बात समझेगी नहीं तो मतलब ये दोनों का केमिकल मालिकुलर फॉर्मूला सेम है बट फर्क सिर्फ प्रोटॉन की पोजीशन बदलने से आता है ओके okay. अब आता है फिशन फिशन का मतलब होता है ब्रेकअप करना बोन्ड फिशन बोन्ड फिशन का मतलब क्या हो गया ब्रेकअप करना नाजिया ने बशीर से ब्रेकअप कर दिया क्या कर दिया ब्रेकअप कर दिया तोड़ना मतलब होता है फिशन का दो तरह से तोड़ा जा सकता है एक फिशन, एक होमोलिटिक बोन्ड फिशन ये सी एच थ्री है ये सी एच थ्री है बीच में बोन्ड है हर बोन्ड में कितने हैं दो इलेक्ट्रॉन इसने इसको गिफ्ट दिया था इसने इसको गिफ्ट दिया था ऐसी बोन्ड फिशन हो के दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएँ तो ये बन गया सी एच थ्री जो बना कार्बो और ये इलेक्ट्रॉन चले गए थे तो ये बना सी एच सी एच थ्री पॉजिटिव तो ये क्या बना कार्बो कटाइन मेरा गला सूख रहा है क्योंकि थोड़ा मुझे रोज़ा लग रहा है ज़ुबान थोड़ी थक चुकी है तो कुछ वर्ड अगर उल्टे पुलटे लिख लेंगे तो उसका केयर कर लेना ठीक है अच्छा दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो सी एच थ्री नेगेटिव यहां से शिफ्ट हो गए तो ये सी एच थ्री पॉजिटिव पॉजिटिव कार्बो कैटाइन है, है यहां टूटा ऐसे है कि एक ही इंसान सारे गिफ्ट लेके चला गया है। ये नाजिया ये बशीर दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ बशीर ने नाजिया को गिफ्ट दिया हुआ था नाजिया ने बशीर को गिफ्ट दिया हुआ था बट जब इनका ब्रेकअप हुआ जब ब्रेकअप हुआ तो नाजिया गिफ्ट शिफ्ट लेके चलेगी मैं क्यों दूँ बशीर को गिफ्ट वापस बशीर बेचारा गरीब मेरी तरह चलो जी कुछ नहीं होता आगे भी रोना पीछे भी रोना होमोलिटिक लीवेज में क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन उधर चला जाता है मतलब जहां यहां पे जो दो गिफ्ट दिए होते हैं ना शेयरिंग हुई होती है वो दोनों समझदार होते हैं वो जब ब्रेकअप कर रहे होते हैं वो मांग लेते हैं एक दूसरे से यार मैंने तुझे ये वाली चीज दी थी वापिस कर दे तूने मुझे ये वाली चीज दी थी वापिस कर ले इस फिशन से क्या बनता है दैट इज इसी एक इलेक्ट्रॉन सी थ्री एक इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडी कल अच्छा एक होता है इलेक्ट्रोफाइल 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 फाइल का मतलब होता है प्यार या लव ठीक है इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया विच लव इलेक्ट्रॉन तो खुद क्या होगा पॉजिटिव जैसे क्या हो गया कार्बो कटाइन ठीक है फिर आता है न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है विच लव पॉजिटिव जो पॉजिटिव के साथ प्यार करता है फाइल का मतलब होता है प्यार करना ठीक है जैसे मैं आलिया भट्ट से प्यार करता हूं आई एम आलिया फिलिक आलिया से प्यार करने वाला आलिया फिलिक ये क्या है न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियस से प्यार करता है पॉजिटिव तो खुद क्या होगा नेगेटिव तो ये क्या है कार्बो नेगेटिव चीज ही पॉजिटिव से 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 क्या करती है? प्यार करती है, है है है, है। है, 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 प्यार प्यार ना? इसी तरह से आता आता इसको अच्छे से समझना देखना। ये एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन करता रिएक्शन रिएक्शन के इंटरमीडिएट में में होता है, मतलब जब चल रही होती है, उसके किसी है, है? स्टेप दो तीन तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी दट इज तीन तीन को एक एस का पी के कितने दो शेप कैसी बनेगी ट्रायंगुलर प्लानर ये तीन तरह के होंगे प्राइमरी कार्बोकटाइन सेकेंडरी कार्बोकटाइन और ट्रेशरी कार्बोकटाइन ऐसा कार्बोकटाइन जिसके साथ सिर्फ एक कार्बन लगा है वो प्राइमरी होता है दो लगे हों तो वो सेकेंडरी होता है तीन लगे हों तो वो ट्रेशरी होता है ट्रशरी कार्बोकटाइन सी सी कार्बोकटाइन सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकटाइन अब देखो किसी भी चीज पे जब पॉजिटिव चार्ज होती है वो अनस्टेबल होता है वो क्या होता है अनस्टेबल मतलब ये कार्बोकटाइन है अनस्टेबल अब मुझे ये पता करना है कि ट्रशरी कार्बोकटाइन अनस्टेबल है सेकेंडरी अनस्टेबल है कि प्राइमरी अनस्टेबल है ज्यादा ज्यादा स्टेबल कौन सा देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना इस पॉजिटिव चार्ज को हमने जल्दी जल्दी क्या करना है खत्म करना इस पॉजिटिव को खत्म करना इसको खत्म करना इसको कितने लोग खत्म करने में मदद कर रहे हैं एक लोग दो लोग और तीन लोग खत्म कर रहे हैं तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ मोर स्टेबल यहां पे वही काम दो लोग कर रहे हैं यहां पे वही काम ए एक लोग कर रहा है असर आपको कैसे पता ये कर रहा है क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के ऊपर जाके बैठता है तो ये क्या बन जाता है स्टेबल बन जाता है तो अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ देखो तो सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी ट्रशरी तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है फिर सेकेंडरी और फिर क्या है प्राइमरी होप आपको इतना चीज़ क्लियर हुई होगी ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिस्प्लेस हुए ना इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट मैं इसके बाद समझाऊंगा आपको बट अभी याद रखना कि यहां से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं पॉजिटिव की तरफ और इस पॉजिटिव को खत्म करके स्टेबिलिटी की तरफ लाते हैं यहां पर तीन लोग ऐसा कर रहे हैं यहां पे दो यहां पे एक तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ ये वाला ठीक है यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट तीन बार लगता है इंडक्टिव इफेक्ट तीन बार लगा है यहां पे दो बार लगा है इंडक्टिव इफेक्ट यहां पे एक बार ही इंडक्टिव एक बार ही इंडक्टिव इफेक्ट लगा होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कार्बो एनाइन कार्बो एनाइन एक न्यूक्लियो मतलब करता है ठीक है रिएक्शन मतलब रिएक्शन चल रही होगी रिएक्शन के दौरान ही आता है सी एच थ्री नेगेटिव कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये एच लगा एच लगा एच लगा, लगा क्योंकि कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है आ, यहां पर देखो तो लोन पेयर आ गया इस बार हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर सिग्मा बोन्ड है तीन एक एस पी पी और एक लोन पेयर है तो ये कितना हो गया चार मतलब एक एस का पी के कितने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी एस पी थ्री और शेप कैसा रहेगा पिरामिडल ये हमें पता है अब मेरी बात ध्यान से देखो आ, ये भी तीन तरह के होते हैं प्राइमरी जिसमें सी एक बार अटैच है सेकेंडरी जिसमें दो बार अटैच है और ट्रेशरी जिसमें तीन बार अटैच है अब मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूंगा जब मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो मुझे पता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है नेगेटिव चार्ज को कम करना है अब मुझे ये बताओ ये नेगेटिव चार्ज है इसको नेगेटिव चार्ज और मिल रहा है तो क्या ये ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है और इसको तीन बार इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है इसको ज्यादा नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा अनस्टेबल इसको दो ही दे रहे हैं दो इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं चार्ज तो ये उससे थोड़ा कम स्टेब मतलब ये ज्यादा ये ज़्यादा अनस्टेबल है ये थोड़ा कम अनस्टेबल है ठीक है यहाँ पे वही काम कौन कर रहा है एक कर रहा है तो मतलब ये इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है बट कम आ रहा है मतलब ये इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है बट कम से बढ़ा रहा है एक बार इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है बट यहां पर तो चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो ये ज्यादा अनस्टेबल हुआ ये भी अनस्टेबल है बट ये कम अनस्टेबल है तो अगर स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करवाएं तो ये मोर स्टेबल है ये क्या है मोर स्टेबल है ये क्या है लेस स्टेबल है ठीक है और एक चीज याद रख लेना कार्बन फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है ये भी रिएक्शन के दौरान होता है जीरो चार्ज होता है इसको ऐसे लिखते हैं सी एस थ्री डॉट कार्बन हाइड्रोजन के तीन बोन लगे हुए हैं और एक डॉट ये इसका स्ट्रक्चर आ गया हाइब्रिडाइजेशन एस पी पी और पी एस पी थ्री पिरामिडल शक्ल होगी और एक चीज़ याद रख लेना यहां पे कोई भी चार्ज नहीं होता ये मत सोचते हो कि कोई ये चार्ज है ये चार्ज है नेगेटिव चार्ज कोई चार्ज नहीं है ठीक है अब एक चीज़ ध्यान में रखना आ, आ, ये तीन तरह का है अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो प्राइमरी दो लगे हो अलग अलग जगह तो सेकेंडरी तीन लगे हो तो ट्रेशरी है अब होता क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की है तो कमी है क्योंकि अगर ध्यान से देखो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन और एक साथ इसको कंप्लीट करना तो तो इलेक्ट्रॉन की कमी ही है ना बस इस इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसको स्टेबिलिटी चाहिए ठीक है स्टेबिलिटी अगर ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रॉन को पूरा कितने करवा रहे हैं? तीन लो करवा रहे हैं तीन बार इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है ठीक है तो ये ज्यादा स्टेबल क्योंकि ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये स्टेबल होता होगा फिर यहां पे कितने लोग करवा रहे हैं दो बार इंडक्टिव इफेक्ट करवा रहे हैं और यहां पे कितने लोग करवा रहे हैं एक बार इंडक्टिव एक बार एक बार इंडक्टिव इफेक्ट करवा रहे हैं तो सबसे का इसको सबसे मतलब सब में इलेक्ट्रॉन की कमी है इस इलेक्ट्रॉन को पूर करोगे या पूरा करोगे तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे यहां पर तीन पूरा कर रहे हैं तो यह ज्यादा स्टेबल हुआ ठीक है यहां पे वही काम दो कर रहे हैं यहां पे वही काम एक कर रहा है तो ये लेस स्टेबल हुआ समझ आया कि नहीं है? से देखो ये यहां से यहां की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ती है ठीक है बात समझिए जब स्टेबिलिटी बढ़ती है याद रखना जब यहां से इस इसकी तरफ जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी क्या होती है कम होती है ये ध्यान में रख लेना ए, मुझे ये बताना यहां से इस तरफ स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी क्या होती है कम होती है ठीक है ये ध्यान में रख लेना यहां से इस तरफ बढ़ती है और क्या होती है? कम होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अभी मैंने इंडक्टिव इफेक्ट लगाया था वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवल बॉन्ड मतलब ये जो मतलब ये कार्बन और कार्बन के बीच

वेन इलेक्ट्रॉन विद्राइंग एटम या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम आर अटैच टू द एंड ऑफ द चेन देखो ध्यान से यह आपको देखा होगा यह सी एच थ्री कोवेल एंड बोन्स एच टू सी एच टू कोवल सी एच थ्री है ना ध्यान से देखना मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं यह एक चेन है

ले लिए तो इसके ऊपर क्या आया डल नेगेटिव यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया डल पॉजिटिव इफेक्ट का नाम क्या हो गया माइनस आई इफेक्ट यह तब लगता है जब चेन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है जैसे क्लोरीन होता है अगर चेन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो ये इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसके ऊपर माइनस डेल्टा आएगा और इसके खुद के ऊपर आएगा प्लस डेल्टा इस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट ये शो कौन करता है दैट इज एन एच टू अच्छा ये जो आ, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या बताने ये कहाँ यूज होता है ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन एनाइन में अभी यूज किया है एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने में मदद करता है और डाइपोल मूवमेंट को भी एक्सप्लेन करने में मदद कर आ, आ, मदद करता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस थोड़ा सा आ जाता है 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 इस बोंड में। में फिर आता है एलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट। एलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड लगता है जहां पे डबल और मल्टीपल मल्टीपल बोन्ड सिस्टम होता है ठीक है जैसे यहां पे डबल बोंड है एक ग्रुप बाहर से आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको नेगेटिव बनना पड़ेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे इधर, है ना? ये नेगेटिव बन गया? है ना ये पॉजिटिव आया कार्बन को नेगेटिव बनने का तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ ये जो शिफ्टिंग है इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं जहां पे बाहर वाला ग्रुप आके लगेगा उसी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो उस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस प्लस ई इफेक्ट और ये किस केस में देखने को मिलेगा जब कोई पॉजिटिव चीज आएगी पॉजिटिव चीज आएगी तो उस कार्बन एटम को नेगेटिव बनने के लिए सात वाले इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट करवाना पड़ेगा देखो ये भी मल्टीपल बोन्ड सिस्टम है नेगेटिव चीज कार्बन पे अटैच कर रही है तो इसको क्या बनना पड़ेगा पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी तरफ अगर अगर ज, अगर जिस एटम जिस एटम पे आके बाहर का ग्रुप लगेगा उसके दूसरे अपोजिट एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करें उस इफेक्ट को बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट ये जो ई इफेक्ट है इसके ऊपर जो प्लस ई आएगा वो डिपेंड करेगा बाहर के साइन पे अगर बाहर का आने वाला ग्रुप प्लस है तो प्लस ई बाहर के आने वाला माइनस है तो माइनस ई ठीक है रेजोनेंस रेजोनेंस अगर आप अच्छे से जानते हो रेजोनेंस के बारे में, मैं में बहुत अच्छे से बात कर चुका हूं मतलब क्योंकि एक स्ट्रक्चर को, से उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी समझाई नहीं जा सकती ठीक है पूरी समझाई नहीं जा सकती तो कुछ प्रॉपर्टीज एक स्ट्रक्चर से समझाई जाती है और कुछ प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर से समझाई जाती है और बीच में हमारे पास क्या रहता है रेजोनेंस हाइब्रिड में बोल रहा हूं ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है अगर इसके ऊपर ऐसा ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो ये कौन सा ग्रुप लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दिए और इसके ऊपर प्लस कौन सा कौन सा साइन आया प्लस आया तो ये वाला जो इफेक्ट हुआ इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये कहा कौन सी पोजीशन पे लगेंगे बेंजीन के इस पोजीशन पे लगेंगे ये इस पोजिशन का नाम क्या है इस पोजिशन को बोलते हैं ऑर्थो मैटा पैरा ऑर्थो मैटा पैरा ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहां बढ़ेगा ऑर्थो और, और पैरा पे बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रुप से आ रहे हैं रिंग की तरफ और ग्रुप पे प्लस है तो प्लस आर ठीक अच्छा कुछ ऐसे अच्छा, प्लस आर कौन शो करता है ठीक है, है और माइनस आई इफेक्ट क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे बेंजीन रिंग से ले लेंगे इसके ऊपर माइनस आर इफेक्ट और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो और पैरा पे आएगा मेटा पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा ये जो माइनस आर इफेक्ट है कौन कौन शो करता है एसिटिक एसिड एस्टर साइनाइड नाइट्रो ग्रुप शो करता है अच्छा अब आता है एरोमेटिक कंपाउंड बशीर साहब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं अब आराम से सुनना एरोमेटिक कंपाउंड कि ये अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है ना तो वो ये सारी चीजें सेटिस्फाई करेगा कंपाउंड प्लानर कंपाउंड होते हैं जो पेज के ऊपर ड्रा हो सकते हैं और रिंग होती है कंजुगेट सिस्टम होता है कंजुगेट सिस्टम का मतलब क्या हो गया डबल बोन्ड डबल बोन्ड नहीं है डबल बोन्ड डबल बोन्ड नहीं है डबल बोंड है डबल बोंड नहीं है इसको बोलते हैं अल्टरनेट डबल बोंड अल्टर नेट डबल बोन्ड और जो ये डबल बोन्ड है ये जो डबल बोड है एक दो तीन नंबर है ऑड नंबर में है ठीक है ठीक डबल बोन्ड जो होंगे ये तीन होंगी पांच होंगी सात होंगी ठीक है इस तरह से होंगे और जो जो डबल बोंड है इसमें होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं डबल बोंड पाई बोंड होती है और पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका फॉर्मूला क्या होता है फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे रिंग कितनी है वन तो एन की वैल्यू हमने रखी वन फोर इंटू वन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन फोर वन जर फोर इस में कितने होप आपको ये वाली चीज क्या होगी क्लियर होगी इसी ये जो सारे पॉइंट है इसी को क्या बोला जाता है सी यू सी एल हक्कल रूल इसको क्या बोलते हैं हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिक अच्छा सुनना अब आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के कितने तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शन की टाइप्स है कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन ऐसी होंगी जिसमें दो चीजें मिलके एक चीज बन रही है सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ठीक है सचा रिएक्शन इज नोन एज द एडिशन रिएक्शन जिसमें कोई चीज ऐड हो रही होगी ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई चीज ऐड हो रही होती है उसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब जिसमें से कोई चीज निकल रही है जैसे अभी अल्काहोल में से पानी निकल रहा है तो एलिमिनेशन ऑफ अल्काहोल बोल रहे हैं जिसमें कोई चीज निकले तो एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है जिसमें से कोई चीज सब्सिट्यूट हो जैसे ओ OH एच है इसको सब्सिट्यूट किया सी ने तो सी के साथ सी आ गया और ओ OH एच किसके साथ साथ चला गया OH के साथ. Substitution reaction एक तरह की ही ही होती है. Displacement reaction ही होती है है आपको चीज रही होगी अच्छा रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऐसा होगा ऐसी रिएक्शन जिसमें शिफ्टिंग हो किसी ग्रुप की जैसे यह ग्रुप यहां से उतर के वहां लग गया दट इज द रिएक्शन द रिएक्शन इन विच देयर इज देयर इज शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप यहां पर क्या होगी ग्रुप की शिफ्टिंग होगी ठीक है उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन अच्छा अब हमारे पास है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है प्योरिफिकेशन का मतलब होता है गंध को बाहर निकालना मतलब प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है रिमूवल ऑफ वेस्ट आर अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से वेस्ट को बाहर निकालने को क्या बोला जाता है प्यूरिफिकेशन बोला जाता है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ में से गंध को बाहर निकालना ठीक है जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसको बाहर निकालना जो आपका बॉयफ्रेंड है उसको बाहर निकालना इसको बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ लाइफ क्या ज्ञान पहलते हो सर बड़ा सेक्सी सा टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट और अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे मेथड है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास पहला मेथड है सब्लिमेशन सब्लिमेशन में क्या करता है जैसे फॉर एग्जांपल आयशा जी ने आपको एक ऐसा कंटेनर दे दिया जिसमें ओ फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है वेस्ट भी है ठीक है वेस्ट सॉलिड है आपको उसने यह बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और वेस्ट को अलग करना है आपने नीचे से हीट किया ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो था ये वेस्ट जो सॉलिड था ये आस्ता आस्ता क्या करने लग गया उबलने लग गया उबलने और डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया गैस में कन्वर्ट हो गया प्रोसेस को क्या बोला गया सब्लिमेशन और कुछ देर के बाद पूरा वेस्ट निकल के गैस में तब्दील हो गया था हमारे पास सिर्फ क्या बचा था दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बचा था ठीक है ऐसा कैंफर के केस में किया जा सकता है अच्छा इसका ऐसा भी हो सकता है कि हीट करने पे ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा निकल जाए बाहर गैस बन जाए सॉलिड से गैस बन जाए और उसको बाद में आप कैच करके अलग कर लो ठीक है अच्छा क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो गया क्रिस्टलाइजेशन में दोबारा आपको आयशा जी ने एक कंटेनर दिया जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है वेस्ट भी है आप उसने ये बोला कि आप इस वेस्ट को अलग करो आपने नीचे से किया हीट इवेपोरेशन होगी किसकी वेस्ट की बट जो क, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्रिस्टल बल के नीचे ही सेटल रहा प्रोसेस को बोला गया क्रिस्टलाइजेशन अच्छा फिर है डिस्टिलेशन 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 में में क्या हो गया डिस्टिलेशन में आप क्या करोगे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड को को या ऑर्गेनिक किसी सब्सटेंस से अलग करोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट जैसे मेरे पास क्या है दैट इज एथेनॉल है और पानी यहां पर मिक्स है ये एथेनॉल प्लस वाटर यहां पर क्या है? मिक्स आपने किया हीट जैसे हीट किया हीट किया हीट किया

वी कैन वी कैन सपरेट द टू मिसिबल मिसिगल का मतलब क्या हो गया दोनों अच्छे से मिक्स थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट यहां पे क्या होगा सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल मिसिबल सबस्टांस ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ओके okay. अच्छा उसके बाद है डिफरेंशियल एक्सट्रक्शन इसमें क्या होता है कि आप दो ओ, दो कम कोई भी कंपाउंड लोगे एक मैंने ले लिया ऑयल ले लिया और एक ले लिया वाटर ले लिया दो सब्सटेंस ले लिया ठीक है इसको आप सेपरेट करोगे यहां पे जो सेपरेशन होगी यहां पे जो सेपरेशन होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी होगी ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगी डेंसिटी होगी देखो जैसे दो सब्सटेंस लिए ऐसे ये कंटेनर था इसमें ऑयल भी था और वाटर भी था ठीक है ऑयल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है आपने डाला इसको इसमें डाला ऑयल ऊपर आ गया और वाटर नीचे आ गया फिर इस फनल को इस फनल के इसको क्या किया open किया ओपन इस नल को ओपन किया आस्ता आस्था आस्ता, आस्ता दा, पानी निकाल लिया बाहर और ऑयल पानी से क्या हो गया अलग हो गया इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ठीक है इसके बाद इसके बाद आता है क्रोमैटोग्राफी इसके बाद क्या आता है क्रोमैटोग्राफी बट मैं क्रोमैटोग्राफी को थोड़ा अच्छे से समझाना चाहता हूं ठीक है तो क्रोमैटोग्राफी के लिए मैं फोटो आपके लिए अलग से बनाऊंगा ध्यान से देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है ये एक मॉडर्न टेक्निक है ये क्या मॉडर्न टेक्निक है पहला पॉइंट क्या लिखोगे क्रोमैटोग्राफी में क्रोमेटोग्राफी में जो पहला पॉइंट आएगा वो क्या है कि ये एक ये एक क्या है मॉडर्न टेक्निक है ठीक है इसमें क्या सेपरेट हो सकता है यू कैन सेपरेट यू कैन सेपरेट टू कलर्ड कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड को अलग कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें होगा क्या एक पेपर क्रोमैटोग्राफ आएगा उसमें आपने उसमें आपने दो कलर लगा दिए दो कलर्ड कंपाउंड लगा दिए ठीक है मिक्सिंग जिसको अलग अलग करना है एक लगाया ये ग्रीन कलर का कोई कंपाउंड था और दूसरा आपने कौन सा लगा दिया दैट इज ब्लू कलर का ब्लू कलर को रहने दो दो आप कौन सा लगा रेड कलर का लगा दो ठीक है यहाँ पे दो कंपाउंड हैं कलर्ड कंपाउंड है ठीक है किस पे है दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफ है फिर आपने क्या किया एक सॉल्वेंट लिया कुछ भी सॉल्वेंट ले सकते हो पानी ले सकते हो बेंजीन ले सकते हो ठीक है इस पेपर क्रोमेटोग्राफ इस इस पेपर क्रोमेटोग्राफ को उठाया और इधर डिप कर दिया ठीक है इधर डिप करने पे ये ऐसे डिप हो गया और याद रखना कि ये वाला ये जो जहां पे आपने निशान रखा है मतलब दो कलर्ड कंपाउंड जहां पे मिक्स है वो इस सॉल्वेंट के लेवल से थोड़ा ऊपर होंगे आस्ता-आस्ता ये पेपर इस सॉल्वेंट को क्या करेगा एब्सॉर्ब करेगा ठीक है जैसे ही एब्सॉर्ब करेगा ना तो सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्वेंट के साथ साथ ये वाली चीज निकल के ऊपर आ जाएगी मतलब ये वाली चीज अलग हो जाएगी खुद ब खुद और ये वाली चीज क्या हो जाएगी खुद ब खुद अलग हो जाएगी किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो मैं आपको ना आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना मैं इसके रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंटल वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा वहां जाके देख सकना ठीक है तो क्या हो गया क्रोमेटोग्राफ में क्रोमा मतलब होता क्रोमा मतलब होता कलर क्रोमा का मतलब क्या होता है कलर यहाँ पे एक मॉडर्न टेक्निक है आप कलर्ड कंपाउंड को अलग अलग करते हो मैंने बोला दो कलर कंपाउंड को पेपर क्रोमेटोग्राफ के रखा सॉल्वेंट में डिप किया जो 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 वो वो जो एरिया था जहां पे दो कलर कंपाउंड मिक्स थे आ, उसको सॉल्वेंट के लेवल से थोड़ा ऊपर रखना है ये सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा और आ, इन दोनों को क्या कर देगा अलग अल अलग कर देगा ये पहले दो कलर थे अब दोनों कलर क्या हो गए अलग अलग हो गए ठीक है एक मेथड है प्योरिफिकेशन का चीजों को अलग करने का ठीक है अब आता है टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सवाल बनेगा टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसा होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल Uh, किसी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है या हाइड्रोजन है हमें कैसे पता चलेगा टेस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा अगर आप उस कार्बन और हाइड्रोजन में कपर ऑक्साइड बना दोगे ना तो उसमें अगर पानी निकल रहा हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हुई तो आपको यह पता चल जाएगा के उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है क्या बोला मैंने के कार्बन और हाइड्रोजन के टेस्ट के लिए आप क्या यूज करोगे कप्पर ऑक्साइड कप्पर ऑक्साइड यूज करोगे और आपके पास एंड रिजल्ट में पानी के ड्रॉपलेट्स बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा टेस्ट फॉर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए क्या इस्तेमाल करोगे आप नाइट्रोजन के लिए आप इस्तेमाल करोगे सोडियम का किसका इस्तेमाल करोगे सोडियम का इस्तेमाल करोगे और एट द एंड आपको ना अगर उसमें नाइट्रोजन हुआ तो आपको ब्लू कलर नजर आएगा पर्शियन ब्लू कलर नजर आएगा जो किसकी वजह से बना होगा दैट इज सोडियम साइनाइड की वजह से तो अगर ब्लू कलर पर्शियन ब्लू नजर आ रहा है मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है ही है ठीक है सर आप कार्बन और नाइट्रोजन क्यों ले रहे हो क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन के साथ एसोसिएटेड होगा टेस्ट फॉर सल्फर सल्फर अक्सर नाइट्रोजन के साथ पाया जाता है इसके लिए भी आप सोडियम का इस्तेमाल करोगे और अगर एट द एंड सोडियम थायोसाइनाइड बन रहा है तो मतलब उस कंपाउंड में सल्फर है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है इसका पीपीटी बनेगा पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट बनेगा सॉल्वेंट में नीचे बैठा होगा टेस्ट फॉर हलोजन हलोजन के लिए हलोजन मतलब ब्रोमीन के लिए ब्रोमिन के लिए आप यूज करोगे ए जी एन ओ थ्री ए जी एन ओ थ्री मतलब सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करोगे अगर वहां पर पे पेल येलो कलर नजर आया पेल कलर न, पेल येलो कलर नजर आया तो हम क्या बोलेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन था और पेल कर, कलर येलो कलर किसकी वजह से होगा सिल्वर ब्रोमीन और सोडियम नाइट्राइड की वजह से और, और पर यहां पे हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक जिसको आप जी कहते हो वो खत्म होता है थैंक यू सो मच कि आपने इस वन शॉट को भी आ, पूरी आ, अच्छी तरह से देखा है और जो बच्चे पिछले चार दिन से पढ़ रहे हैं उनको मेरा क्या है सलूट थोकता हूं मैं उसको ठीक है और ये हंसने वाली बात नहीं है क्योंकि आप मेहनती हो इस मेहनत को आगे बरकरार रखना फिजिक्स के पेपर में बायो के पेपर में भी उन पेपर में भी मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा आपका भाई यहां बैठा बस दुआ करो कि मैं बीमार ना पड़ूं कहीं भी और लाइट का कोई भी इशू ना हो थैंक यू थैंक यू सो मच और क्या बोलना और ये बोलना है कि इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मिलेंगे इसके नोट्स डबल हो गए हैं एक बार अच्छे से देख लेना और uh, वीडियो के साथ नोट्स देखना तभी आपको मजा आएगा नोट्स का ठीक है uh, उसके बाद मिलते हैं हम नए वन शॉट में दैट इज हाइड्रोकार्बन में uh, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अल्लाह राखा पढ़ते रहें गर्लफ्रेंड बॉय को थोड़ी देर के लिए दूर कर दो पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल को नंबर अच्छे लाएंगे तो सोसाइटी आपका ही नाम करेगी और जो आपके जूनियर्स होंगे वो आपसे स्ट्रेटेजी पूछेंगे कि सर कि सर नहीं भैया दीदी क्या पढ़ा था कैसे पढ़ा था बताओ बताओ तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है क्योंकि इज्जत कमानी है ठीक है आ, फिर मैं बोलूंगा मिलते हैं किसी नई वीडियो में दैट इज हाइड्रोकार्बन में मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अल्लाह राखा शुभ रात्रि जय हिंद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम